फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्त्री अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानून जिसके बारे में हर स्त्री को जानना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे स्त्री से जुड़े कानून, वो पांच प्रमुख कानून जिसके बारे में जिसे हर स्त्री के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि वह अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग और जागरूक हो सके। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्त्रियों के लिए न्याय और बराबरी के अधिकारों को सुनिश्चित करने में लोकतंत्र और कानून की बड़ी भूमिका है। स्त्रियों ने जमीनी स्तर तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन उस लड़ाई को कानून बनाकर उसके जरिए हमारे अधिकारों की गारंटी देने का काम न्याय व्यवस्था ने किया है। हालांकि भारत में स्त्रियों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, आजादी के कुछ 3 दशक बाद न्यायपालिका ने इस बारे में विचार करना शुरू किया कि कहां हमें औरतों के लिए यानी कि लेडीज के लिए विशेष कानूनों की जरूरत है और कहां पहले से बने कानूनों में मौजूद लैंगिक भेदभाव को खत्म किए जाने की जरूरत है। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बेनिफिट एक्ट 2013। पॉश, कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन हिंसा और प्रताड़ना से स्त्रियों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है। 3 सितंबर 2012 को यह लोकसभा से और 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ। 9 दिसंबर 2013 से यह कानून प्रभाव में आया है। इस कानून के तहत कोई भी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी है और जहां महिलाएं काम करती है वहां पॉश कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया। यह कानून विशाखा गाइडलाइंस से आगे का कदम है जो उस गाइडलाइंस के निर्देशों को एक कानून का रूप देकर उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए यह गाइडलाइन जारी की थी। वह केस दरअसल भौरी देवी का था जो एक एनजीओ में काम करती थी। काम के दौरान उनके साथ रेप हुआ था। इसके बाद यह बात न्यायालय के संज्ञान में आई कि भारत में लाखों की संख्या में जो औरतें यानी कि लेडीज घरों से निकलकर काम पर जा रही है, उस काम की जगह पर उनका यौन उत्पीड़न भी होता है और इसे संबोधित करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। इसके बाद विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें हर दफ्तर में एक इंटरनल इंक्वायरी कमिटी बनाने से लेकर वो सारी जरूरी बातें कही गई थी जो 2013 में इस पॉश कानून के रूप में हमारे सामने आई। आज हर महिला को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जब वह किसी दफ्तर में काम करने जाती है तो उस काम की जगह पर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी है और यदि उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार होता है तो वो हमेशा उसकी शिकायत कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 26 अक्टूबर 2006 को यह कानून भारत में लागू हुआ जिसका उद्देश्य हर प्रकार की घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लेकर यूएन
और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बार बार हमें आगाह कर रहे थे कि भारत में 70% महिलाएं घरों के अंदर घरेलू हिंसा की शिकार है और सिर्फ 10% महिलाएं उस हिंसा की शिकायत करती है। भारत में कोई ऐसा कानून भी नहीं था जो घरों के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, इसलिए 2006 में ये कानून आया। इस कानून के जरूरी पहलुओं में से एक ये भी है कि जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही शिकायत दर्ज करे। यदि आपके संज्ञान में ये बात आती है कि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है तो आप भी पुलिस के पास शिकायत कर सकते हैं। यह पुलिस का कानूनी दायित्व है कि उसे एक शिकायत पर एक्शन लेना होगा। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005, यह आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए लाया गया सबसे ऐतिहासिक और सबसे जरूरी कानून है। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 तो पहले भी था, लेकिन उसमें लड़के और लड़की के लिए भेदभावपूर्ण नियम थे। उस कानून में लड़कियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, पिता की सारी संपत्ति लड़कों को मिलती थी। 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और 9 सितंबर 2005 में यह लागू हुआ। इस नए कानून में पुराने लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया। यह कानून 2005 से पहले हुए संपत्ति विभाजनों पर भी लागू हुआ। इस सिलसिले में एक और बड़ा फैसला पिछले साल हुआ, जब न्यायालय ने पैतृक संपत्ति में भी लड़कियों को बराबर का अधिकार देने की घोषणा की। समान संपत्ति का अधिकार अब तक सिर्फ पिता की अर्जित की हुई संपत्ति पर ही लागू होता था। पैतृक संपत्ति अब भी स्वतः ही बेटों की होती थी, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति में भी लड़का और लड़की दोनों का बराबर अधिकार सुनिश्चित किया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। भारत में दहेज प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन इस दहेज प्रथा को कानून अपराध घोषित करने वाला कानून ज्यादा पुराना नहीं है। शायद यह महिलाओं के हक में बनाया गया सबसे विवादास्पद कानून भी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक भारत में दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी कि IPC 498A दहेज के मामलों पर लागू होती है। शुरू में इस धारा से जुड़े प्रावधान बहुत कठोर थे। दहेज की शिकायत होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी और इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। 1980 के दशक तक इतनी बड़ी संख्या में दहेज से जुड़े झूठे और गलत केस न्यायालय के समक्ष आए कि इस कानून को वापस लेने के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस कानून को वापस लेने से मना कर दिया। हालांकि उससे जुड़े प्रावधानों में अब थोड़ी ढील जरूर दी गई है, जैसे कि तत्काल गिरफ्तारी और गैर जमानती अपराध जैसे नियम वापस ले लिए गए। न्यायालय ने माना कि हर कानून के साथ ये होता है कि
उसका कुछ दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कानून गैर जरूरी है। यह कानून दहेज की प्रताड़ना झेल रही हमारे देश की हजारों स्त्रियों के लिए न्याय का दरवाजा है। हम इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। अब मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल या मातृत्व लाभ संशोधन बिल 11 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 9 मार्च 2017 को लोकसभा में पास हुआ। 27 मार्च 2017 को यह कानून बना। यह कानून हर कामकाजी महिला के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश को सुनिश्चित करता है। यह उसके नौकरी के अधिकार और मातृत्व अवकाश के दौरान पूरी सैलरी को सुनिश्चित करता है। यह कानून हर उस सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ही लागू हुआ था, लेकिन तब अवकाश सिर्फ 3 महीने का हुआ करता था। अब 2017 में इसे बढ़ाकर 6 महीने का कर दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।